हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, आरडी शर्मा, हमारी क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.7। ये बच्चों हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका क्या कह रहा है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। आप लोगों को नॉर्मली पता होगा प्रोडक्ट निकालना कितना आसान है। आप लोग नॉर्मली इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, बीच में कोई साइन नहीं है, और यहाँ पर इन दोनों में साइन किसका दिख रहा है? बीच में प्लस का। तो मेरे को पता है यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इनमें से। देखो मैं डायरेक्ट लगा के लिख रहा हूँ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस ए बी। आप देख सकते हैं फोर्थ वाली आइडेंटिटी हमारी लग रही है। अब मुझे कैसे पता चला? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है। देखो दोनों जगह दो दो ब्रैकेट दिख रहे। बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर दो ब्रैकेट तो इधर भी थे, आपने ये वाली क्यों नहीं ली। बेटा यहाँ पर एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, और यहाँ पर देखो क्या है, प्लस प्लस, और यहाँ हमारे क्वेश्चन में भी प्लस प्लस है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस वाले ब्रैकेट में जो दो टर्म है उसमें देखो पहली वाली टर्म x है, और यहां पर भी दोनों इस वाले ब्रैकेट में भी जो पहली टर्म है वो x है। मतलब ये जो पहली टर्म है वो सेम होनी चाहिए, देखो यहां पर भी सेम सेम है, और जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग होनी चाहिए। यहां पर 4 है और यहां पर 7। क्लियर है? आप देख सकते हो यहां पर एक टर्म a है और एक टर्म b, अलग अलग टर्म होनी चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। तो हमारा प्लस प्लस। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में दे रखा है। आप देख सकते हैं LHS की फॉर्म में दे रखा है, और हम उसे बदलेंगे किसमें, RHS में। ठीक है, तो चलिए RHS में बदलते हैं, देखते हैं क्या होता है। RHS बोल रहा है पहले x का होल स्क्वायर करें। x कौन है बच्चों? दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है उसे x बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो x ही है, उसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। फिर वो कह रहा है प्लस करना है, मैंने प्लस लिखा। फिर वो कह रहा है x लिखो। x का मतलब कौन है? जो दोनों ब्रैकेट में पहली पोजीशन पे वो x, यार यहां पर तो दोनों जगह पर x ही आ रहा है। फिर हमें ब्रैकेट ओपन करना है, फिर हमें a लिखना है। a कौन है? दोनों ब्रैकेट में जो पहला वाला ब्रैकेट का ये वाला नंबर है, मतलब ये रहा, ये a है। फिर प्लस b लिखना है, b आप देख सकते हो ये वाला नंबर है। फिर प्लस लगाना है और a और b को मल्टीप्लाई करना है, 4 और 7 को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट दिखाते हैं, आप देख सकते हो x का होल स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस a इनटू b। ठीक है, हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में था, RHS में बदल दिया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। x को दो बार मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट देखो सॉल्व हो रहा है, 7 और 4 को जोड़ोगे 11 आएगा, 4 7 28 हो गया। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई क्यों हो सकता है? क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है। x को 11 से करेंगे तो आएगा 11x प्लस 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 आएगा, प्लस का 20 है। तो आपको पता है मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया, यहां पर आप देख सकते हैं, प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों दूसरा वाला पार्ट देख सकते हैं, यहां पर दो ब्रैकेट है, आइडेंटिटी यही वाली लग रही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज है, सर यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी, चलो एक बार लिख कर दिखाता हूँ। बहुत बच्चे सोच रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस b। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। बिल्कुल, और आपका सोचना जायज भी है, लेकिन मैं आपकी सोच बदलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस वाले देखो, पहले तो इस वाले को लग रहा है ना, सबको ये आइडेंटिटी लग रही है सिर्फ इस प्लस और माइनस की वजह से। इस वाले ब्रैकेट में बड़ा ध्यान से देखो टर्म कौन सी है, ए और बी। दूसरे ब्रैकेट में भी वही टर्म है, मतलब टर्म सेम होनी चाहिए, है ना। यहां देखो इस ब्रैकेट में पहले में कौन सी टर्म है, एक्स और 11, और इस वाले ब्रैकेट में कौन सी टर्म है, एक्स और 4। क्या टर्म सेम है? जब टर्म सेम नहीं है तो कैसे मैं बोल सकता हूँ ये आइडेंटिटी है? तो बेटा ये आइडेंटिटी नहीं है, लग तो ऊपर वाली रही है, बस थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं सॉल्व करता हूं। आप देख सकते हो इन दो टर्म को और इन दो टर्म को, बस जो पहले वाली टर्म है वही सेम है ना, बाद वाली टर्म अलग अलग है। देखो इस वाली आइडेंटिटी में यही हो रहा है, पहली वाली टर्म तो सेम है, बाद वाली टर्म्स जो है वो अलग अलग है।
बस आप बोलोगे सर सब कुछ सही है, बस यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर ना प्लस होना चाहिए था। तो बना देते हैं बेटा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो कैसे, ब्रैकेट ओपन करा, x लिखा, ध्यान से देखना मुझे प्लस चाहिए तो सर ये माइनस कहां जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस का। ध्यान से देखो मुझे प्लस चाहिए था, मैंने प्लस बना दिया। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये अपने आप आपने कैसे कर दिया, तो बेटा इसे अगर आप सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा माइनस, ठीक है। और इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, तो एकदम सही है एक्स प्लस फोर। अब हमारा क्वेश्चन देखोगे, मैंने क्वेश्चन में कुछ बदलाव करके दिखाया है, अब हमारी आइडेंटिटी लग रही है। देखो ब्रैकेट दिख रहा है, दो ब्रैकेट, यहां पर भी दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म सेम होनी चाहिए। देखो यहां पर की पहली टर्म और यहां पर, क्लियर है। और फिर देखो जो बाद वाली टर्म होगी वो अलग अलग होनी चाहिए, यहां पर माइनस का 11 है और यहां पर देखो 4 है, क्लियर है, अलग अलग। बीच में दोनों के प्लस होना चाहिए, यहां पर देख लो प्लस है, कोई दिक्कत, आप देख सकते हो ये वाला पूरा पार्ट ए है और ये वाला पूरा पार्ट बी है। तो चलो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में, हम आरएचएस की फॉर्म में बदलेंगे। आरएचएस कह रहा है पहले एक्स का होल स्क्वायर करो, अरे ये एक्स है कौन, दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे है उसे एक्स बोल देना, अरे यार ये तो एक्स ही है। देख क्या बच्चों, एक बार मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, एक्स का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो मैंने एक्स का होल स्क्वायर करा, कोई दिक्कत। फिर यहां पर प्लस बोला है तो प्लस कर देते हैं, फिर एक्स को लिखना है वही जो दोनों ब्रैकेट में पहली पोजीशन पे है, कौन है भाई पहली पोजीशन पे, एक्स ही है। फिर ब्रैकेट ओपन करना है, पहले लिखना है ए, ए ये वाला है देखो पहली टर्म, माइनस का इधर लिख दिया ए, फिर लिखना है प्लस और फिर लिखना है बी, बी हमारा ये वाला दूसरा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस लिखना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, ए तो ये रहा माइनस का 11, इसे मल्टीप्लाई करना है बी से, कोई दिक्कत, चल करते हैं आगे। एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का एक्स, ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं, 11 कह रहा है माइनस करने को, 4 कह रहा है प्लस करने को, अलग अलग कमांड पे हमेशा माइनस करते हैं, माइनस करा आंसर आ गया 7, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, और बड़ा कौन है इन दोनों में से, 11 है, इधर माइनस का साइन लगा है, तो माइनस लगा, कोई दिक्कत। अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं 11 4 40, प्लस माइनस 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 प्लस, इधर माइनस, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, एक वेरिएबल को और नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पहले आता है वेरिएबल बाद में, साइन को करते हैं प्लस माइनस और ये माइनस का 40। आप देख सकते हो मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला, और प्रोडक्ट तो मैं नॉर्मली भी निकाल सकता था, आइडेंटिटी मैंने लगाना सिखाया। आइडेंटिटी हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम और स्मार्ट हो सके और इसके साथ साथ हम इजी वे में कर सके, प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों तीसरा पार्ट आप देख लो, मैं कह रहा हूं आपसे यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, आप देखिए दो ब्रैकेट है, यहां पर भी दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म सेम होनी चाहिए, देखो पहली टर्म सेम है और जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग होनी चाहिए, देखो यहां पर 7 है और यहां पर 5, एकदम अलग अलग है। चलो यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम है सर यहां पर तो प्लस है लेकिन यहां नहीं है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो हम इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, थोड़े बदलाव लेकर आते हैं, इसको ओपन करा एक्स प्लस का 7, इसको तो बिल्कुल नहीं बदला, ठीक है। यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करा एक्स लिखा, फिर मुझे प्लस चाहिए ना तो प्लस बना दिया, इस माइनस 5 को ब्रैकेट में डाल दो, कर दिया मॉडिफिकेशन। अब आप देख सकते हो मेरी आइडेंटिटी लग रही है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस और ये पूरा पार्ट बी है, क्लियर है। हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में, हम आरएचएस की फॉर्म में उसे बदलेंगे। तो आरएचएस कह रहा है पहले एक्स का होल स्क्वायर करो, एक्स कौन है जो दोनों ब्रैकेट में पहली पोजीशन पे है, ये रहा एक्स, कर दिया, अब प्लस कर दिया, फिर एक्स को लिखना है वही जो दोनों ब्रैकेट में पहली पोजीशन पे है, एक्स ही है, ब्रैकेट ओपन करा, पहले ए लिखना है, ए है हमारा 7, फिर प्लस लिखना है, मैंने प्लस लिख दिया, फिर लिखना है बी को, बी आपका माइनस 5 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस का 5, लेकिन दो साइन कभी एक साथ ऐसे नहीं रहते, तो हमें छोटा सा ब्रैकेट बना,
कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट क्लोज बोला था मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर। अब प्लस लिखेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ए ये रहा और बी ये रहा, कोई दिक्कत। चलिए आगे तक, एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर का साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा प्लस माइनस, ये आएगा ठीक है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही आएगा, प्लस को माइनस से करोगे क्या आएगा माइनस, सात में से पांच माइनस कर लिया दो आ गया, और आपको पता है प्लस का ही आएगा बड़ा, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, साइन को करते हैं प्लस प्लस और ये आ गया माइनस का 35। आप देख सकते हो मैंने इनका प्रोडक्ट निकाल दिया बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटीज, कर लीजिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं हम फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं, यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, दोनों ब्रैकेट में जो शुरुआत की टर्म है वो एकदम सेम है और एंड की टर्म अलग अलग है, बस यहां पर प्लस लेकर आना, दैट्स इट। तो मॉडिफिकेशन करते हैं क्वेश्चन में, ब्रैकेट ओपन करा एक्स आ गया, हमें प्लस चाहिए तो प्लस लिखो, इसको डाल दो माइनस थ्री को ब्रैकेट में, छोड़ो बना दिया, देखो एक्स प्लस पूरा का पूरा ए, इसको हम करेंगे एक्स, फिर लिखेंगे प्लस और छोटे ब्रैकेट में क्या डालेंगे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। मॉडिफिकेशन कर दी, क्लियर है। अब आप देख सकते हो हमारी आइडेंटिटी बैठ रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, बैठ रहा है एलएचएस में, हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में हम आरएचएस में बदलेंगे। तो आरएचएस बच्चों क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, आरएचएस कह रहा है x का होल स्क्वायर करो, और आपको पता है x कौन होता है जो दोनों ब्रैकेट पे पहली पोजीशन पे है, x का होल स्क्वायर प्लस x लिखना है, प्लस x यही है, ब्रैकेट ओपन करना है, पहले लिखना है a, तो ये रहा a, फिर लिखना है प्लस, उसके बाद बच्चों क्या लिखना है b, b ये रहा माइनस का। अब ये दो साइन ऐसे एक साथ नहीं आ सकते, तो छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रैकेट, ब्रैकेट ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखना है प्लस, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, ए तो ये रहा, माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करना है माइनस टू से, ये बी है पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ध्यान से देखो प्लस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो पहले तो माइनस के थ्री को लिखो प्लस माइनस, कोई दिक्कत बच्चों। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, प्लस माइनस 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 प्लस, जब नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, थ्री कह रहा है माइनस करने को और टू भी कह रहा है माइनस, सेम कमांड है, सेम कमांड पे हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, लेकिन साइन किस पर लगेगा रिजल्ट पे बढ़ेगा, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई किया है ना तो साइन को भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट निकाल दिया इसका। तो बच्चों हमारा फिफ्थ पार्ट आ गया है, मैं बोल रहा हूं इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगती है, देखो ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म एकदम सेम है और दूसरी टर्म अलग अलग है, बस यहां पर प्लस बनाना है, वही मॉडिफिकेशन करना है बच्चों, करते हैं वाई स्क्वायर फिर प्लस इस माइनस फोर को ब्रैकेट, ठीक है यहां पर भी देखिए बच्चों वाई स्क्वायर प्लस माइनस के थ्री को ब्रैकेट, क्लियर है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं आइडेंटिटी लग रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में आरएचएस की फॉर्म में बदलते हैं, RHS कह रहा है x का होल स्क्वायर करो, x कौन है दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में उसे x बोला है ना, ये रहा x, यही x, इसका होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस हमें x को लिखना है, x कौन है दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे है, तो लिख देते हैं y स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करना है, पहले लिखना है a, ये रहा माइनस,
फिर लिखना है प्लस, फिर लिखना है बी, बी आपका माइनस का टू। दो साइन कभी ऐसे एक साथ नहीं रहते, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट बना देते, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर प्लस लगाकर ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। अब हम छोटे बच्चे नहीं है जो हम मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, हमें पता है ब्रैकेट इज ऑल्सो द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट के बाहर पावर, अंदर पावर, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और मैंने एक और तरीका बताया आपको, वाई स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई करा तो भी यही आएगा। अब यहां पर देखो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, माइनस का फोर, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है बच्चों। वाई की पावर फोर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कह रहा है माइनस करने को, वो भी कह रहा है, तो आपको पता है हम जोड़ते हैं और साइन हमारा, देखो हमने इन्हें जोड़ा है तो हम बड़े छोटा देखेंगे, बड़ा ये है ना तो रिजल्ट में साइन इसी का लगेगा। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, सेवन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, प्लस कर दो। आप लोग देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ये सेम है, देखो सेम नहीं है, ये 4 अपॉन 3 और ये 3 अपॉन 4 है। दोनों ब्रैकेट में जो पहली टर्म है वो एकदम सेम है और जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग है, एक 4 अपॉन 3 है तो दूसरा 3 अपॉन 4 है, अलग है। चलो यहां पर तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, एग्जैक्ट बैटर है क्वेश्चन, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो चलो बदलते हैं क्वेश्चन, एलएचएस की फॉर्म में आरएचएस बदलते हैं, एक्स का होल स्क्वायर करना है, मतलब दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में है उसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस एक्स लिख दो, ये एक्स है ना इसको उठाओ, ब्रैकेट ओपन करो, पहले हमें लिखना है ए, पहले हम लिखते हैं ए, यही है ए, फिर प्लस, फिर हमें लिखना है बी, ये वाला पार्ट बी है, फिर प्लस लगाकर ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। कर दिया बच्चों, चलो देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करा, ये दोनों फ्रैक्शन नहीं जुड़ सकती क्योंकि इनके डेनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पर आ गया 12, ठीक है बच्चों। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बारी पे आता है, ध्यान से देखना, 3 के नीचे वालों को पकड़ते हैं, 3 के टेबल में 12 आता है 4 बारी पे। अब इस 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 16, बीच में प्लस है तो यहां प्लस है। अब इसको लेकर करते हैं, देखते हैं इस 4 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 3 बारी पे आता है बच्चों। इस 3 बारी को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9, ये मैंने आपको इससे पहले भी काफी बार करवा रखा है, ठीक है। अब यहां पर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, अरे ये तो कट भी रहे हैं, देखो ध्यान से, ये दोनों 4 के टेबल से कट गए 1-1 बारी में, ये दोनों 3 के टेबल से कट गए 1-1, क्यों कटे हैं, क्योंकि आपस में देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अगर ये भी मल्टीप्लाई हो रहे होते तो कट जाते, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अरे यार नीचे वन की तो कोई वैल्यू नहीं, वन को वन से करोगे वन ही आएगा और ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि सबके साइन को मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही आएगा। 16 को 9 से जोड़ोगे आएगा 25 और नीचे आ गया 12। ब्रैकेट के जो बाहर वाला होता है वो अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, 25 अपॉन में 12, पहले नंबर फिर वैल्यू। आप लोग देख सकते हो मैंने इसका प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, उतार लीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर भी यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म एकदम सेम है और बाद वाली टर्म जो है वो अलग अलग है, और देखो यहाँ पर प्लस का भी कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे, आरएचएस में बदलेंगे बच्चों। आरएचएस कह रहा है पहले एक्स का होल स्क्वायर करो, एक्स कौन है, जो दोनों ब्रैकेट में पहली वाली टर्म है, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर x को लिखना है सिर्फ, तो दोनों ब्रैकेट में जो पहली टर्म है वही है x, तो हमने लिख दिया x,
फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ए और बी को प्लस करना है, ये रहा ए प्लस बी, उसके बाद प्लस लिखना है और ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया। तो चलो आगे करते हैं, ये होल स्क्वायर थ्री का भी है और एक्स का भी है, थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करोगे नाइन और एक्स को करोगे एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स, इन दोनों नंबर को जोड़ोगे 16 आएगा, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे 55 और प्लस 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 ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को अगर 16 से करेंगे आएगा 48 और x अकेला है तो एज इट इज। अब साइन को करते हैं प्लस 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 का 55, आप देख सकते हो मैंने इनका प्रोडक्ट निकाल दिया। तो बच्चों एट वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ब्रैकेट में जो पहली टर्म है वो एकदम सेम है और दूसरी टर्म अलग है, बस खाली माइनस वाला, वही प्लस इधर प्लस बनाना है, वही लफड़ा है। तो चलो इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस इस माइनस 3 को छोटे ब्रैकेट में डाल दिया, तो दिक्कत यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 जो दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म पे है उसे x बोलेंगे, ये रहा a और ये रहा b, ठीक है, एक बार दिखाता हूं आइडेंटिटी पढ़ के, x प्लस a x प्लस b, ठीक है। हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है, उसे किसमें बदलेंगे, RHS में, RHS देखते हैं क्या कह रहा है, RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करो, देखो तो x कौन है आपको पता है ना, दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे है इसका, ये x है, इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, फिर प्लस लगाया और फिर x को लिखना है, ये सिर्फ x है, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, a को लिखना है ये रहा a प्लस, फिर b को लिखना है ये रहा b, ठीक है, फिर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, ठीक है, ये होल स्क्वायर इस वाले का भी है इसका भी है, 2 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा और x स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है माइनस करने को और ये कह रहा है प्लस करने को, अलग अलग कमांड पे हम हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, अब ये प्लस का है ना, तो आप चाहो तो इधर प्लस बनाओ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा मत बनाना, अगर आप कुछ नहीं भी बनाते तो भी तो प्लस का ही माना जाता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, अब साइन को करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 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 प्लस 4x की पावर 4, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और x स्क्वायर एज इट इज, प्लस प्लस और ये माइनस का 4, आप देख सकते हो इनका प्रोडक्ट मैंने आइडेंटिटी के जरिए निकाल लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं नाइन्थ वाला पार्ट है, दो ब्रैकेट है, पहली वाली टर्म सेम है, बाद वाली टर्म अलग है, बस यहां पर प्लस बना रहा है, आइडेंटिटी ये वाली, तो उधर इस वाले ब्रैकेट में मॉडिफिकेशन कर पाओ। तो चलो करते हैं जेड स्क्वायर, फिर प्लस चाहिए और इस माइनस के 3 को छोटे से ब्रैकेट में लाओ, तो दिक्कत देखो बेटा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ये बी, ठीक है। चलो अब हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में आ गया, RHS में बदलते हैं, पहले x का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म में जो पहली पोजीशन में उसे x बोलते हैं, ये x है बच्चों, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो दिक्कत प्लस, फिर x लिखना है, x कौन है वही ये रहा, फिर ब्रैकेट ओपन, पहले लिखना है a, ये रहा a, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है b, b ये रहा, लेकिन दो साइन कभी ऐसे एक साथ नहीं आते, तो छोटा ब्रैकेट बना, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, दिक्कत तो नहीं, z स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो z की पावर 4, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस जो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन है वो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है, 2 3 6 प्लस 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 माइनस माइनस, यही देखो, अब ध्यान से देखना, अभी इसे करते हैं सॉल्व, ये कह रहा है प्लस करने को, ये कह रहा है माइनस, अलग कमांड पर माइनस करते हैं और साइन बढ़ेगा लगा, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, z स्क्वायर को 1 से करेंगे सेम z स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत तो आप लोग उसे उतार दीजिए। तो बच्चों 10th वाला पार्ट देख लीजिए, ये इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, आप बोलोगे सर शुरुआत वाली टर्म एकदम अलग है,
और बाद वाली टर्म सेम है। आप बहुत सारे बच्चे कोई सोच रहे होंगे सर ये तीसरी वाली तो नहीं लग रही, बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? ध्यान से देखना, इधर फोकस करना, ध्यान से इधर देखना, इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम है, यहां पर भी ए और बी और यहां पर भी ए और बी है। लेकिन यहां पर देखो इस वाले ब्रैकेट में कौन कौन सी टर्म है, ध्यान से सुनना, 3x और 4y, वहां पर कौन सी टर्म है, 2x और 4y, एकदम अलग अलग है, लगनी तो यही वाली आइडेंटिटी है। अब ध्यान से देखना, हर बार मेरी पहली वाली टर्म सेम होती थी और बाद वाली अलग होती, इसमें थोड़ा अलग हो गया, तो मैं नंबर को ना देखो आगे पीछे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये माइनस का 4y है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, और ये प्लस का 3x है, इसे बाद में लिख देता हूं। देखो कुछ करा है क्या? आगे पीछे तो करा है, इसको भी आगे पीछे कर देते हैं, ये जो माइनस का 4y है इसे पहले लिख देता हूं, और ये जो प्लस का 2x है इसे बाद में लिख देता हूं। देखो ध्यान से, मेरे को कैसे पता चला इसको इधर लेकर आना है, क्योंकि पहली वाली टर्म सेम होती है, यहां पर ये वाली टर्म सेम थी, मैंने कहा इसको भी इधर खिसकाता हूं, इस वाले को भी इधर खिसकाता हूं, खिसका दिया। अब देखो आइडेंटिटी कैसे लग रही है, पहली वाली टर्म सेम है, देखो ब्रैकेट में देखो सेम होती है ना, सेम है, दूसरी वाली टर्म अलग अलग है और बीच में प्लस का साइन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो LHS की फॉर्म में, हम उसे RHS में बदलेंगे, ध्यान से देखो। RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करो, x कौन होता है, दोनों ब्रैकेट में जो पहली टर्म पे है, यही है x, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस x को लिखना है x क्या है, माइनस का 4y। ध्यान से देखो बच्चों, दो साइन कभी एक साथ रहते नहीं, आप ब्रैकेट बनाते हो ना, अरे सिंपल देखो इन दोनों को भिड़ा दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लो पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, पहले आप a को लिखोगे, a कौन है 3x, फिर प्लस आप b को लिखोगे, b क्या है 2x, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करोगे आप b से, ठीक है बच्चों। चलो आगे करते हैं, माइनस के 4y का होल स्क्वायर, आप देखो 4 को अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, y को दो बार मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर आएगा, माइनस है ना, देखो जब पावर अगर ऊपर इवन हो, क्या हो इवन, तो माइनस साइन हट जाता है, यहां पर पावर देखो इवन है, 2 के टेबल वाली है ना, तो माइनस साइन हट जाएगा। अब इसको माइनस के 4y को उतारते हैं, इनको देखो ये जुड़ के कितना 3x, देखो लाइट टर्म है ये वाली, और ये वाली लाइट टर्म है, ये भी प्लस कह रहा है, ये भी प्लस कह रहा है, तो जोड़ेंगे साइन बढ़ेगा लगेगा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 6, एक्स दो है तो एक्स के ऊपर पावर 2 रखो, इन सब साइन को मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20, वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पहले आएगा वाई बाद में, अल्फाबेट ऑर्डर में रखते हैं, माइनस प्लस, बेटा याद रखना, बहुत अच्छे सोचेंगे सर ये तो y वाला और ये x वाला, ये कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अनलाइक टर्म है ये, अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है और डिवाइड भी हो जाती है, सिर्फ प्लस और माइनस नहीं होती। उतार दीजिए सर, बच्चों आप देख सकते हो आइडेंटिटी यही वाली लग रही है, ब्रैकेट में पहली वाली टर्म एकदम सेम है और बाद वाली टर्म अलग अलग है, बस यहां पर प्लस बनाना है, वो हमें आता है मॉडिफिकेशन के जरिए, 3x स्क्वायर प्लस चाहिए और इसको डाल देंगे माइनस का 4xy ब्रैकेट, ठीक है, सेम यहां पर भी 3x स्क्वायर फिर प्लस चाहिए, इसे डाल देंगे माइनस का 3xy ब्रैकेट, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में, आगे एक बार दिखाता हूं, x प्लस a x प्लस b, ठीक है, तो अब हम इसमें बदलेंगे, वो कह रहा है x का होल स्क्वायर करो, x कौन होता है, जो दोनों ब्रैकेट में पहले स्थान पे है, कौन है भाई पहले स्थान पे, 3x स्क्वायर, यही है x, इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस, फिर हमने x को लिखना है, इस x को लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, a को लिखना है, a ये रहा माइनस का 4xy, फिर प्लस, फिर b को लिखना है, b क्या है माइनस का 3xy। अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए छोटा ब्रैकेट बना देते हैं, अरे यहीं पे सॉल्व कर लो, प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा, नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप इधर प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट बनाते हैं, फिर नीचे सॉल्व करते हैं, अरे यहीं पर होना है, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं,
प्लस ए को मल्टीप्लाई करा ए रहा, इसको मल्टीप्लाई करा बी से, ठीक है। चलो करते हैं, थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करोगे नाइन, और एक्स स्क्वायर को दो बार करोगे एक्स की पावर फोर। इन दोनों को देख लो, इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन माइनस, दोनों सेम कमांड दे रहे हैं तो जोड़ देंगे, साइन लेकिन बढ़ेगा लगेगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एक्स कितने हैं दो और वाई भी कितने हैं, ठीक है। साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस। अब चलो इसे करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, एक्स आप देख सकते हैं तीन हो गए और वाई अकेला, प्लस माइनस माइनस, बाकी प्लस का ट्वेल्व, एक्स की पावर स्क्वायर वाई की पावर, आप देख सकते हो आंसर आ चुका है हमारा। तो बच्चों देख सकते हैं यहां पर भी यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो कैसे दोनों ब्रैकेट में पहले वाली टर्म एकदम सेम है और बाद वाली टर्म अलग अलग है, ये 1/5 है और ये सिर्फ 5 है, ठीक है। और आपको पता है बीच में प्लस प्लस भी है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं चाहिए। LHS की फॉर्म में RHS बदलेंगे, RHS कह रहा है पहले X का होल स्क्वायर करें, X कौन है दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे, ठीक है, फिर प्लस X लिखेंगे, लिखते भाई X मतलब पहली पोजीशन पे जो है, ब्रैकेट ओपन करा, पहले A को लिखा, फिर प्लस B को लिखेंगे, ये रहा B, और ब्रैकेट क्लोज कर, फिर प्लस A को मल्टीप्लाई करेंगे B से, ठीक है बच्चों। x को दो बार मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, ये प्लस का x। मैंने आपको ऐसी वाली फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया, देखो ध्यान से सुनना, 5 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 25, ध्यान सुनना 25 आ गया, इस वाले 5 को इस वाले से मल्टीप्लाई करा 25 और 1 को जोड़ो, इसको भूल जाओ 5 को, 25 और 1 को जोड़ो क्या आएगा 26, और नीचे dr पे 5 ही रहेगा। अब ये दो फ्रैक्शन देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो कट सकता है, बचा क्या प्लस का वन, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा तो नंबर पहले वेरिएबल बाद में, प्लस प्लस बचा प्लस का वन, ठीक है उतार दीजिए सब। आप लोग देख सकते हैं बच्चों हमारा 13th क्वेश्चन है, इसमें भी हमारी यही आइडेंटिटी लग रही है, दोनों ब्रैकेट में जो पहली टर्म है वो एकदम सेम है और जो बाद वाली टर्म है वो अलग अलग है, ठीक है, और प्लस का भी कोई इशू नहीं है, तो बस हम इसे आरएचएस में बदलते हैं। आरएचएस कह रहा है पहले एक्स का होल स्क्वायर करो, एक्स कौन होता है जो पहली टर्म पे इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, फिर प्लस वो कह रहा है सिर्फ एक्स को उतार दो, ये लो उतार दिया एक्स को, जो दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म है वही तो होता है एक्स, ब्रैकेट ओपन करा, पहले ए लिखना है, फिर प्लस मैं यहां से बोल रहा हूँ बच्चों देखकर, फिर प्लस बी लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लिखा, ए हमारा ये रहा, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो चलो करते हैं, जेड को दो बार मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर प्लस जेड, इन दोनों को करते हैं बच्चों, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा एलसीएम आएगा 12, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में प्लस नहीं हो सकती क्योंकि इनके डीआर सेम नहीं है। चलो एलसीएम ले लिया, अब करते हैं हमसे 4 के टेबल में 12 कितनी बारी पे आता है, 3 बारी पे आता है, इस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 9, यहां बीच में प्लस है तो यहां प्लस बना दो। अब इसको देखते हैं, इस 3 के टेबल में 12 कितनी बारी पे आता है, 4 बारी पे आता है, इस 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 16, ठीक है बच्चों। अब इसे कर लेते हैं, देखो ये तो कट रहा है, फ्रैक्शन आपस में सॉल्व हो रही है ना, ठीक है, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर वन वन को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का वन आएगा, जेड स्क्वायर प्लस का जेड 25 अपॉन में 12 और यहां पर ये प्लस का वन आ, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, एक वेरिएबल को नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पहले वेरिएबल बाद, प्लस प्लस प्लस, और फिर ये आ गया प्लस का वन। आप देख सकते हैं बच्चों मैंने इसे कर दिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका,
जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एज इट इज आइडेंटिटी लग रही है x plus a x plus b। तो पहले तो x का होल स्क्वायर करेंगे। x कौन होता है? दोनों ब्रैकेट में जो पहली टर्म पे है, देखो ये x है, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस x को लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, a और b को जोड़ के प्लस प्लस कर देना, जोड़ देना, फिर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b से। चलो करते हैं इसे जल्दी। x स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4, यहां पर इन्हें सॉल्व करोगे 13 आएगा, इनको करोगे मल्टीप्लाई 36 और ये प्लस का, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नंबर पहले वेरिएबल बाद में, प्लस प्लस और ये आ गया प्लस का, आप देख सकते हैं ये हो चुका है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यहां पर हमें कोई आइडेंटिटी एज इट इज लग रही है, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म एकदम सेम है और बाद वाली टर्म हमारी अलग अलग है, और बीच में प्लस भी है तो मॉडिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये जो क्वेश्चन है एलएचएस की फॉर्म में हम आरएचएस की फॉर्म में बदलेंगे। आरएचएस क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, x का होल स्क्वायर करना है, लेकिन x कौन है? दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे होता है उसे x बोलते हैं, मुझे यहां पर पता चला देखना है। तो भाई दोनों ब्रैकेट में पहले पोजीशन पे कौन है? ये रहा, ये x है, हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कर दिया बच्चों, फिर उसने बोला प्लस तो मैंने प्लस करा दिया, फिर x लिखना है तो सिर्फ x को लिखना है, तो ये लो x लिख, ब्रैकेट ओपन करना है, a को लिखना है, a हमारा ये वाला है, देखो ये वाला होता है 12, फिर प्लस, फिर b को लिखना है, b हमारा ये रहा 6, फिर प्लस लिखना है, a और b को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा a और मल्टीप्लाई कर दिया b से। चलो बच्चों करते हैं, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर भी पावर अंदर भी पावर, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 4, इन्हें सॉल्व करोगे 18, 12 6 72 और यहां पर ये प्लस आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नंबर पहले आता है और वेरिएबल बाद में, प्लस यहां पर साइन प्लस का है, प्लस हो और ये प्लस का 72 हो गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर 15 पार्ट तक खत्म हो गया है, अब अगले क्वेश्चन में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो प्लीज अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, बाय।